तो गाइस गाइस और गाइस, आप किसी कार्य या फिर किसी इंसान से उम्मीद कर लेते हो तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जितनी उम्मीदें उतना ज़्यादा संघर्ष, मानव जीवन में संघर्ष अनिवार्य। तो गाइस, आज थी 14 फरवरी और हम कार्तिक स्वामी से दर्शन करने के लिए वापस आ ही रहे थे, तो मन में ख्याल आया कि यहीं से तुंगनाथ जी के दर्शन भी कराते हैं। तो फिर क्या, हमने गाड़ी उठाई और निकल पड़े अपने दूसरे सफर में। सो गाइज, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वाली वीडियो में देखा आपने, मैं कार्तिक स्वामी मंदिर में आया था और ये रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, कनक चोरी गाँव, और वहीं से रास्ता शुरू होता है। मीन्स अगर आप कार्तिक स्वामी आ रहे हो ना, तो बोर्ड कहीं नहीं मिलेगा आपको मंदिर का, सिर्फ कनक चोरी आना, वहीं से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है 3.5 किलोमीटर का। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में। तो चलो, ये नज़ारा कुछ यहाँ का ऐसा है। वाओ, हर हर महादेव। तो गाइज, यहाँ पर मैंने व्हीकल और होटल लिया था ना, और व्हीकल यहाँ पर खड़ा कर रहा था, यहाँ पे कनक चौरी पे पहुँच गए और यहीं से हमने अपना नेक्स्ट टूर स्टार्ट करना है यहाँ से। तो गाइज, हम यहाँ पे ढाबे पे रुके हुए हैं यहीं पे कनक चौरी पे, और यहाँ पे हमने मंगाया पराठा। तो ये है पराठा। तो गाइज, नाश्ता करके बहुत भूख लग गई थी यार, तो अब कनक चौरी से हम निकल रहे हैं। तो गाइज, कनक चोरी से निकल चुके हैं, तो जो नेक्स्ट लोकेशन होगी हमारी, टाइटल में पता चल गया, तुंगनाथ। तो अभी चल ही रहे हैं। तो गाइज, हम उसी रूट में चल रहे हैं। देवभूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से कुछ हिमालय के दर्शन बड़े प्यारे नज़र आ रहे हैं यार, बहुत। जो जो अभी नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा बांसवाड़ा, 20 किलोमीटर है यहाँ से। जुकाम मेरे को बहुत तगड़ा लग गया, नाक बह रही है। तो देखो, ये डोली जा रही थी चंडी माता की। कितने खुश नसीब हैं हम, है नहीं? तो बांसवाड़ा से हमने ना पहले एक कट ले लिया ऊपर की तरफ। लोगों ने बताया हमें कि ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा रास्ता, और रोड ये इस तरीके से यहाँ पे। शॉर्टकट के चक्कर में ना लॉन्ग कट पड़ गया, लोगों से रास्ता पूछ के अब ये मक्कू मठ की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर होगा। फुल ऑफ रोडिंग हो रही है, फुल ऑफ रोडिंग। तो गाइस, चोपता पहुँचने वाले हैं और चोपता की सड़कों में बर्फबारी। बहुत टाइम बाद पक्की रोड मिली है। ऑफ रोडिंग करते करते पीठ दुख गई, मैं तो पीछे बैठा हूँ। भाई साहब, बर्फबारी मिलने को देख गई, ये चेक करो। तो जाना उन्हें ऊपर। लंबे समय बाद बर्फ देखने को मिल गई भाई साहब। किसका जर्मन गया यहाँ पे।
तो गाइस हम बनियाकुंड में पहुंच चुके हैं और यहाँ से लगभग थोड़ी दूर पे तुंगनाथ। तो अभी पहले बात करने जाते नीचे कैंप की कि कैसा क्या सीन है। सैंडी भाई ने बात करी, पिछली बार भी जब हम आए थे ना तो यहीं रुके थे हम, तो आज भी वहीं चलते हैं। तो हम कैंप के खोज में जा रहे हैं भाई साहब, यहाँ पूरे उसमें बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ ही बर्फ़। तो ये नीचे सारे कैंप है, ये चेक करो ऊपर तक बर्फ़ पड़ी हुई है। जाना हमने वो देखो, वहाँ है तुंगनाथ जी का मंदिर। सो गाइस यहाँ पे हम बनियाकुंड में रुके हैं लॉर्ड शिवा कैंप में। तो भाई साहब मस्त कैंप है, तो आप आना। अंकल जी कहाँ हो? तो ये देखो ओनर, फिर से मीटअप हो गया अंकल से। तो भाई आप आना ठीक है, अंकल से मिलना। और भाई कैंप एक नंबर कैंप दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले, ठीक है। यहाँ का नज़ारा अभी, खैर ये है फरवरी का टाइम है और ये कुछ ऐसा नज़ारा है। ये देखो बर्फ़ है यहाँ भाई, बढ़िया सीन है। और ये देखो ये है कैंप अंदर का सीन, पिछली बार भी हम यहीं रुके थे। बर्फ़ देख के दिल खुश हो गया यार, मतलब नीचे नीचे रोड में ना बर्फ़ नहीं थी, बट जैसे ऊपर आए ना नीचे, इससे पीछे कोई क्या पड़ता यार भूल गया मैं। तो जैसे ये बनियाकुंड वाला बैंड आया ना मोड़, तो बर्फ़ दिखनी स्टार्ट, मन खुश हो गया। तो गाइज रात के 7:16 हो गए, अब खाना खाने जा रहे हैं। तो शीशे का लाइट लगी है, ये लाइट ना ये सोलर ऊर्जा की लाइट है, धूप से जो बिजली बनती है। तो गाइस गर्मा गर्म खाना आ चुका है, मैं देख रहा हूँ आपको ना। तो गाइस खाना खा के अब वापस हम बिस्तर पे आ चुके हैं। और तो भाई साहब चूल्हे की रोटी गर्मा गर्म, पानी सब कुछ गर्म गर्म, आओ मज़े करो और सो जाओ, ठीक है ये लाइफ है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह सीधा तुंगनाथ में। तो गुड नाइट, टेक केयर। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह क्या बज रहे हैं 7:18। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके से, ये चेक करो, ये देखो ऊपर तो बर्फ ही बर्फ, वहाँ जाना हमने ऊपर चोटी पे। तो यार सुबह के टाइम पाला भी पड़ता है, आसमान भी साफ था ना, तो जिस टाइम आसमान साफ रहता है उस टाइम पाला बहुत तगड़ा पड़ता है। तो चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। तो गाइस चेकआउट कर चुके हैं हम, और सामने अपना कैंप था। आप जब नीचे आते ना तो लॉर्ड शिवा कैंप के नाम से है अपने गल कैंप, सेमवाल जी के नाम से है ये। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, ये चेक करो गाइस बर्फ़ ही बर्फ़, वाव। तो गाइस पाला कुछ इस हद से पड़ रखा है यहाँ पे, और व्यू देखो यहाँ के सामने का है ना तगड़ा। तो यहाँ से हमने रोड जाना है ऊपर, ऊपर दुकान है ना, तो वहाँ तक जहाँ पे मेन एंट्रेंस है। तो गाइस भाई साहब पाला भी ठीक ठाक पड़ चुका है उस हिसाब से, इस हिसाब से। तो गाइस ये हम गेड़ा पहुंच चुके हैं,